बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौम की आवाज़ के साथ मैं हूं नुसरत हारिस, और आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट यूं करते हैं कि हमारे पास, आपने देखा है, अमूमन पॉलिटिक्स में या किसी पार्टी में कोई एक चेहरा नज़र आने लगता है, तब हमें उसके बारे में पता चलता है। जब वो MPA लेवल पर आ जाते हैं, MNA लेवल पर आ जाते हैं, या कोई बड़ा कारनामा कर लेते हैं, तो वी टॉक अबाउट देम। लेकिन हमें ये पता नहीं चलता, या हम शुरू से लोगों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते या उनके बारे में जान नहीं पाते जब वो अपने करियर का आगाज़ करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स भी एक करियर है। पॉलिटिक्स भी एक पूरी एक मैं तो कहूँगी जर्नी है, जिसका स्टार्ट है, फिर आप उसमें मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। तो आज हमारे प्रोग्राम का मकसद कुछ यूँ है कि नासिर हुसैन शाह साहब को आप TV पर देखते रहे हैं, उनसे बात करते रहें, बात सुनते रहें, वैसे भी लोग अक्सर लोग उनको जानते हैं, उनके बच्चे भी पॉलिटिक्स में अब आ रहे हैं, एक्टिव हो रहे हैं, और पॉलिटिक्स से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा हैं। अभी उन्होंने सोशल एक्टिविज़म को पहले इनिशिएट किया है, लेकिन जगह या डेस्टिनेशन तो पॉलिटिक्स ही है। सो हमने आज अपने मेहमान को, जो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, अकबर नासिर शाह हैं, जो कि नासिर हुसैन शाह के सबसे छोटे बेटे हैं, और पॉलिटिक्स के लिए, जबकि इनका बैकग्राउंड कुछ डिफरेंट है, पढ़ाई कुछ डिफरेंट हुई, ग्रेजुएशन इन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में की है, तो ऐसा बच्चा जो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस पढ़ रहा हो फिर उसे पॉलिटिक्स का इंटरेस्ट हो जाए, ये सब क्या है, ये हम मालूम करेंगे आज इनसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। मैं ठीक ठाक हूँ। आजकल मीडिया में आपका इंटरेस्ट डिवेलप हो गया है या नज़र आ रहे हैं, या क्या बात है, पॉलिटिकली एक्टिव हो गए हैं, क्या कर रहे हैं जो हमें मुख्तलिफ स्क्रीन्स पर नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड शायद मीडिया की नज़र अब पड़ी है। अच्छा, ओके। आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स। ठीक है। एंड वो इट्स, आई थिंक इट्स अ चेन ऑफ रिएक्शन। आई गेव एन इंटरव्यू, एक मैंने मतलब वैसे ही मैंने मस्ती में एक इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद दूसरा दिया, अब आप तीसरा ले रही है, थैंक्स टू यू। And it's just, I think it's a chain of reaction. अच्छा, खैर, हमारा obviously क्योंकि ये forum है कौम की आवाज़, so कौम की आवाज़ें और कौम के जो सवालात होते हैं, या usually उनके जहन में जो सोच होती है, मैं वो आप तक लाना चाहूँगी और आपकी सोच उन तक पहुँचाना चाहूँगी। पहले तो अपने बारे में बताइए, क्या academic background है, सबसे छोटे आप हैं, बाकी भाई क्या कर रहे हैं, क्या सभी लोग politics में हैं? जी, जो मुझसे बड़े हैं कुमैल, कुमैल हैदर शाह, he's in politics. Okay. And he's, you can say, my mentor as well. Oh, after okay. my father. Okay. And usse bade hain Shabir. He's a barrister, Shabir Shah. Okay, barrister. He's, he have his own firm. Usse bade hain Muhammad Ali Shah. Okay. Yeah, he runs the business and agriculture and all. Okay. And तो बड़े भाइयों को ऐसा सच कोई खास पॉलिटिक्स की तरफ रुझान नहीं था, लेकिन छोटे दोनों को रुझान, छोटे दोनों को रुझान है। ओके, सो क्या, मुझे एक और चीज़ बताइए, लोगों को ये लगता है कि जब आप किसी पॉलिटिकल फैमिली में आंखें खोलते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज वन फाइन डे इफ यू वांट टू गेट अप एंड यू वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, देन यू हैव अ रिजर्व्ड सीट, नॉट इन दैट सेंस रिजर्व्ड, बट यू हैव अ रिजर्व्ड सीट सिंस यू हैव अ फादर इन दैट, और बड़े सारे आपके ताल्लुकात होते हैं, आपको तो कोई काम नहीं करना पड़ता, और सारे AC रूम्स और सारे चीज़ें सारे ऐवान आपके लिए खुले, क्या ये इसी तरह है? मैम देखें, मुझे लगता है ये बिल्कुल इस तरह नहीं है। और I have a very genuine question, आवाम से भी, आपसे भी, और जो लोग ऐसी सोच रखते हैं बेसिकली उनसे, कि देखें बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, एक्टर का बेटा एक्टर बन सकता है, फौजी का बेटा फौजी बन सकता है, एक्टर को भी बड़ा आजकल सुनना पड़ता है नेपोटिज्म पे, ठीक है जी, तो व्हाई नॉट वी पॉलिटिशियंस, एंड जो ये कहते ना कि जी प्लेट पे प्लेट में रख के दे दिया, रख के दे दिया, तो वो प्लेट में रख के भी तब मिलता है जब हमारी इतनी मेहनत होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी वेक अप एट 8 इन द मॉर्निंग, वी मीट अराउंड 300 पीपल इन 2 आवर्स, और उसके बाद फिर निकलना, कोई अपना काम होगा या घर वालों के साथ लंच होगा या कुछ होगा, फिर शाम को फिर 300 से 400 लोग, द पब्लिक डीलिंग, उसकी वजह से देखे आप ये सोचेंगे, ऑब्वियसली यू हैव बीन सीइंग मेनी ऑफ द पॉलिटिशियंस, व्हाट्स देयर पर्सनल लाइफ, व्हाट्स आवर पर्सनल लाइफ, हम अपनी ज़िंदगी अगर आवाम को दे रहे तो एटलीस्ट वी एक्सपेक्ट कि हमें रिटर्न मिले, एंड वी गेट टू अ लेवल दैट वी वांट, और एटलीस्ट समवेयर वी आर थिंकिंग ऑफ। तो वो क्या आपके लिए वो ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, व्हाट्स द पुल फॉर यू, व्हाई डू यू वांट टू गो इनटू इट? जैसे आपने बताया ऑब्वियसली सुबह उठना, अपना टाइम देना, क्या वो पुल क्या है, व्हाट इज दैट अट्रैक्शन? द अट्रैक्शन इज, देखें, वी हैव बीन टॉट फ्रॉम द बिगिनिंग दैट अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है, इसका मतलब अल्लाह की आप पे नेमत है कि
अल्लाह अपनी आवाम को अपने बेशक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, बिल्कुल ठीक है. एंड वी हैव बीन सीइंग आवर फादर सिंस चाइल्डहुड. व्हेन आई वाज टू यंग माय फादर वाज डिस्ट्रिक्ट नाज़िम इन सखर एंड वी यूज्ड टू सी दीज सेम रूटीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड वी यूज्ड टू लव हिज पर्सोना एंड द फेम वी वाज गेटिंग एंड वी वर लाइक ओके वन डे वी विल बी दैट लाइक स्पेशली मी आई कैन टॉक अबाउट माय सेल्फ. I don't know about my brother's mentality or what, but I was very impressed by that. And then gradually I studied and I came back. और फिर मुझे लगा कि हाँ मुझे ये join करना चाहिए. और मुझे बहुत सारे अच्छा ग्रेजुएशन के वक्त आपको लगा था जब आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लंदन में पढ़ रहे थे. और इसमें बल्कि मेरे दो सवाल हैं. एक तो ये कि जाहिर है ग्रेजुएशन आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किया, उस वक्त आपको लगा कि नहीं मेरा योनरा तो ये है, या फिर वहाँ की फिजा वहाँ का एनवायरनमेंट देखकर कभी आपको ये हुआ हो कि मुझे यहाँ रह जाना चाहिए? नेवर थॉट कि मैं यहाँ रह जाऊँ. आई ऑलवेज वांटेड टू कम बैक टू पाकिस्तान. ओके. बाकी आई नेवर थॉट अबाउट पॉलिटिक्स, बिलीव मी आई वाज द वन. मैं भागता हूँ पॉलिटिक्स से, भागता था पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा. और मेरे भाई ने बड़े घसीट घसीट के मुझे कहा कि नहीं तुम्हें ये करना है, ये करना है. और आराम आराम से खुद वो मेरे प्रोग्राम रखवाता था कि यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ. अब ये है कि आई एंजॉय इट, आई एंजॉय वर्किंग इन दैट, आई लव मीटिंग पीपल. और बड़ा बहुत दुख भी होता है जब उनके हम मसले सुनते हैं. और बिलीव मी समटाइम्स आई फील वेरी यू कैन से हेल्पलेस जब मैं वो किसी की मदद नहीं कर पाता, बिकॉज समटाइम्स यू कांट डू एवरीथिंग. अच्छा आप मलीर में एक्टिव हैं आजकल, सोशली एक्टिव आप मलीर में हैं, वहाँ क्या काम कर रहे हैं? दो साल से जैसे आपने बताया आप एक्टिव हैं, तो क्या वो सिर्फ मलीर है या दूसरी जगह भी हैं, और क्या क्या काम आप कर रहे हैं या कर चुके हैं या आपके एजेंडा का हिस्सा हैं? आई आर नेवर फोकस्ड ऑन वन थिंग कि जी मैं मलीर में काम करूँ, बट स्टार्टेड इन दैट वे कि आई मेट समबडी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग एंड दे गॉट मी देयर फॉर अ जलसा. जी. और बिलीव मी मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा जलसा होगा. आई वाज थिंकिंग ऑफ अ कॉर्नर मीटिंग बट इट वाज अ ह्यूज जलसा एंड इट वाज लाइक मेनी थिंग्स. तो वहाँ मैं गया पहली बार, फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया कि जी आप अब हमारे पास वैसे आए, लोगों से मिले उनके मसले सुने. एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई फादर. आई थिंक आई हैव दैट पर्क कि मैं कोई भी लीगल काम जाके उनको अप्रोच कर सकता हूँ, या बाकी मिनिस्टर्स जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं उनको कर सकता हूँ कि जी ये इनका जेन्युइन इशू है, आप ये हल करके दें. फॉर एग्जांपल स्कूल्स हो गए, सैनिटरी हो गया, पानी का काम हो गया. तो जनरल लोग, जनरल पब्लिक आपके पास आती है, दे हैव एक्सेस टू यू? यस ऑलवेज. अच्छा, और आप वहाँ पर बैठते हैं कहीं खुसूसी तौर पे? क्योंकि अगर मलीर में लोग देख रहे हैं इस वक्त हमें, और अगर किसी को इस बारे में नहीं पता तो वो आपसे राब्ता भी कर सकते हैं. आई डोंट हैव अ सेट ऑफिस इन मलीर. ठीक है. आई सिट एट माय होम. ओके. बट इफ समबडी वांट्स टू कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम मलीर, दे हैव द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्ताक मट्टू. अच्छा. दे कैन कॉन्टेक्ट हिम. ठीक है. तो मुश्किल नहीं होती आप तक पहुंचना? कोई ऐसा कोई पेनस्टेकिंग प्रोसेस तो नहीं है लोगों के लिए? नो नो नेवर. इवन मैं तो कहता हूं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं. इवन इफ दे वांट टू मीट माय फादर दे कैन कम एट 10 एएम इन द मॉर्निंग एंड ही मीट्स एवरीबॉडी. ओके. ओके. अच्छा आपने कहा, हम अभी जब ऑफ एयर भी बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हाँ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही लेटर ऑन ज्वाइन करूंगा. सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जो आपको पसंद है, या सिर्फ ये अब्बू की वजह से एक अट्रैक्शन है और बस आप यू आर गोइंग टू फॉलो द सेम पाथ? इट्स नॉट अबाउट ओनली अबाउट माय फादर, इट्स बेसिकली व्हाट हैपेंस. आई थिंक एवरीबॉडी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव एंड द वे आई हैव बीन लुकिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, आई हैवंट सीन अनदर ऑप्शन एज सच. मैं नून की तरफ जाऊं या खान साहब की तरफ जाऊं, अल्लाह माफ करे, बट आई लाइक पीपल्स पार्टीज आइडियोलॉजी, मेनी आइडियोलॉजी बेसिकली, स्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट करंट टाइम्स. इफ यू सी द विजन ऑफ आवर चेयरमैन, देयर इज नन विजन लाइक दैट. एंड क्या विजन है, मतलब ऐसे डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन? लेकिन वो आप देखते हैं कि सिंध में तो आपको नजर नहीं आता ये विजन, तो यकीनन है. देखें मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि आप हमें बराए मेहरबानी एक शहर से कंपेयर ना करें, आप एक सूबे को सूबे से कंपेयर करें, चाहे वो पंजाब हो. गो टू सदर्न पंजाब, यू माइट हैव गॉन और आई डोंट नो. आप जाएं, आप देखें वहाँ की क्या हालत है.
वो बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए मतलब मैंने तो इंटीरियर भी बहुत, हम क्योंकि इंटीरियर बोलते हैं वैसे तो लोग बुरा मनाते हैं कि आप इंटीरियर क्यों बोलते हैं, सिंध सिंध है तो बिल्कुल सिंध है, सिर्फ थोड़ा सा उसको पिन पॉइंट करने के लिए बोलते हैं। तो बहुत बचपन से मैंने ट्रैवल किया है इंटीरियर में और हर जगह देखा है, वक्त के साथ डिटोरिएशन ज़्यादा हुई है ऐसा महसूस होता है। और कराची क्योंकि एक डेवलप्ड सिटी है तो ऑब्वियसली हमें लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर, जहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, आई से कि मैं ये नहीं कहता कि हमने कोई जादू की छड़ी चला दी है, वी कुड हैव वर्क्ड वेरी वेल, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं कि काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब अगर आप आराम से तसल्ली से देखें कराची में जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किए हैं या पूरे कर चुकी है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ, NICVD देख लें, SIUTs देख लें, ठीक है। इसके अलावा एक हम नया वो DHA डुमलीर फ्लाईओवर हो रहा है, बेटरमेंट ऑफ पीपल, इट्स नॉट द बेटरमेंट ऑफ एनीबडी एल्स। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हमें अक्सर, मैं फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे देखता रहता हूँ कि जी वो PTI वाले चिल्लाते हैं कि जी स्कूल्स में गधे बंधे हुए हैं और इस तरह आई डोंट नो कौन से स्कूल्स आपने जाके देखे हैं या कोई किराए पे ले लिया होगा, बट इफ़ आई कैन स्पीक ओनली अबाउट माय सिटी सखर, वी ऑलरेडी हैव 2-3 मेजर यूनिवर्सिटीज एंड वी आर लॉन्चिंग न्यू यूनिवर्सिटीज एज वेल। ठीक है, ये तो खैर अगर हम इस पे बात करेंगे तो वो बात बहुत लंबी होती जाएगी और कहाँ की कहाँ निकलेगी, और अभी आप इंशाल्लाह आगे जब और पेनिट्रेशन आपकी पीपल्स पार्टी में हो जाएगी तब हम और ज़्यादा सवालात आपसे करेंगे। इस वक्त जैसे आपने खान साहब का जिक्र किया तो आपने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, तो क्यों ऐसा आपको लगता है? और क्योंकि आवाम, तो मुझे ऐसा महसूस होता है एट दिस वेरी पॉइंट इन टाइम लोग तो हर पार्टी से और हर लीडर से तंग आए हुए, उकताए हुए, क्योंकि किसी ने भी रिलीफ दिया नहीं है। रिलीफ की बातें ज़रूर की हैं, देखें रिलीफ की बातें हमने की और हमने बहुत रिलीफ दिया भी था राइट आफ्टर 2008, ठीक है। एंड मैंने खान साहब के लिए इसलिए ऐसा कहा, देखें बिफोर 2013 I didn't knew before 2013 that he is in politics. है तो उनके कोई 20-25 साल जी 22 साल की उनकी struggle है। तो before 2013 I didn't knew he was in politics. Before 2013 I think he was my superstar because of the World Cup. And I must say he was your superstar as well when he won the World Cup. Yeah, he was. Is he your superstar right now? Can you say that? मैं तो किसी को भी सुपरस्टार या बिल्कुल सुपरस्टार एज इन इफ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट ही इज स्टिल द सुपरस्टार, ही वन अस द कप, ही वन अस द कप, बट बिकॉज़ ऑफ दैट कप व्हाट वी आर फॉलोइंग नाउ। अब वो उसके बाद जाहिर है चीजें होती रही, लेकिन ये है कि उसमें सबकी आइडियोलॉजी और सबकी सोच अलग अलग है। ऑब्वियसली खान साहब से भी जो हमारी क्रिटिसिज्म होती है वो हम इस फोरम से बहुत खुलकर करते हैं। महंगाई के बारे में आपको क्या लगता है, किस तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है या बेहतरी लाई जा सकती है, कोई सोच है आपकी इसके हवाले से? देखिए मेरी सोच महंगाई के हवाले से ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज अ सेट देयर सम फ्यू प्रोडक्ट्स व्हिच गोज अप द होल मार्केट क्रैशेस एंड दे इट वेंट अप एज वेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल माय लास्ट इंटरव्यू विद योर चैनल आई सेड अबाउट द पेट्रोल, कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो बाकी चीजों पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, अराउंड 80-70% चीजों पे, ठीक है। और वो कैसे कम होगा, अब आई डोंट नो खान साहब पहले क्या कहते थे और अब क्या कह रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम जो चोर थे उनके दौर में तो पेट्रोल 100 रुपए से कम था, अब वो चोरी करके करते थे या कैसे भी करते थे, आवाम के लिए तो रिलीफ था 100 रुपए से कम था पेट्रोल। अब जब बिल्कुल मदीने की रियासत, और कभी वो कहते हैं मदीने की रियासत, कभी वो कहते हैं ईरान की रियासत, और कभी कहीं की रियासत, कभी कहीं की रियासत, इन सब रियासतों में आके अब पेट्रोल आप देख लें कहाँ चला गया। तो क्या आपके जहन में क्या रिजॉल्व आता है, पेट्रोल की कीमत एक फैक्टर है जो आप समझते हैं कि ये कम होनी चाहिए तो महंगाई कम होगी? मेरे ख्याल से ये कम होनी चाहिए एंड द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान रुपी शुड गो अप। एंड लुक आई एम वेरी न्यू इन पॉलिटिक्स बट दिस इज माई फील्ड, ठीक, द मनी मार्केट एंड द स्टॉक मार्केट, बिल्कुल इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया, ठीक है। तो व्हाट आई थिंक के आई नो what his team is doing, he have changed I think 2 federal finance ministers and we were hearing very good about them before they came on the seat. aur ye kehte hain ki ji dollar isliye badhta hai ki purano ne karza liya tha, karza to aapne bhi le liya, lekin jo wo karza lete the I don't know
उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती थी कि डॉलर इतना कभी नहीं ऊपर गया जितना अभी गया है। अच्छा, आपने वैसे ये, क्योंकि आपकी फील्ड थोड़ी सी इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, पाकिस्तान के जितने फाइनेंस मिनिस्टर रहे जो आपको याद हों, क्योंकि आप पाकिस्तान में थे भी नहीं, कुछ अर्सा पढ़ने गए हुए थे, कौन आपको लगता है कि ये बेहतर था? ही हैड कम्प्लीट नॉलेज, आपको लगता था, आप अपनी अगर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के बेस पर अगर उनकी गुफ्तगू सुनते थे तो? देखिए, व्हाट आई थिंक ऑनेस्टली, इट्स नॉट अबाउट द फाइनेंस मिनिस्टर, इट्स अबाउट द लीडर, इट्स अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट ही टीचेस एंड व्हाट विजन ही गिव्स। अगर आप देखिए, आपका प्राइम मिनिस्टर आगे टीवी पे कह रहा है कि जी मैंने तो टीवी पे सुना है डॉलर बढ़ गया है, तो इफ़ यू लाइक लीडरशिप, व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर वुड डू? उसके पास कोई हैरी पॉटर की छड़ी तो नहीं है कि वो घुमा के डॉलर कम कर देगा या पेट्रोल कम कर देगा। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट विजन ऑफ द लीडर, कि आप किस तरह अपनी टीम को लीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑलवेज गिव द एग्जाम्पल ऑफ आर लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी। वाई? बिकॉज आई हैव सीन वट ही डज इन दिस करंट सिचुएशन। इफ यू सी दिस रिसेंट केस ऑफ जोखियो सर, I don't know whether you have heard it or not, the murder which happened from the MPA. Okay. And the party took the action, or the People's Party, unne unki membership क्या कहते हैं cancel की, और उन्हें उन पे People's Party ने उनकी family पे pressure दिलवाया कि आप खुद गिरफ्तारी दें। I think this is called leadership. Okay. ये अभी recent कोई case हुआ है? Recent सही, ठीक है। अच्छा, young leaders जो आपकी तरह अब आ रहे हैं, उनसे आपको क्या लगता है कि क्या चेंज आएगा, या क्या आप लोगों की सोच में कुछ डिफरेंशिएशन है, कोई नयापन है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई वैल्यू एडिशन है जो आपको लगता है कि अब जो लॉट आ रही है, जो हमारे यूथ में से भी लोग खड़े हो रहे हैं, फिर आप लोग भी हैं, या आपकी एज ग्रुप के जितने लोग हैं, उनसे क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? What has changed और जो आपको लगता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक खासा हो सकता है? देखिए, वन थिंग what I think the youth have, the others don't, is time. Okay. And we have the platform of social media and internet basically. We can see the problems and the mistakes of our elders or our previous leaders. कि वो उन्होंने क्या गलतियाँ की, and we can learn from that. We can get our experience from that. And youth aajkal, I'm very thankful to God ki youth aajkal bahut zyada shaur aa gaya hai. Very much thanks to social media. To mujhe lagta hai ki purane generation se ye generation jo hai wo behtar kaam karegi. Wo behtar kaam karegi. Acha, ye bhi bataye Akbar कि जिस तरह आपने कहा, जाहिर है जिस घराने में आँख खोलते हैं आप और जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह इंसान की पर्सनैलिटी बनती जाती है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स और एक मुझे लगता है मीडिया, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइट ज़्यादा होती हैं, तो इनके घर वाले भी ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, और इनकी आदतें, इनके तरीक़ाकार, हर चीज़ हाईलाइट होती है। सो हमारे यहाँ एक और भी चीज़ है जिसपे आवाम का एतराज़ होता है कि जी जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो क्योंकि इतना हाई फाई माहौल देख लेते हैं, प्रोटोकॉल देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, दे टेंड टू यूज़ इट, दे टेंड टू फील इट कि ये उनका राइट है और वो भी यही सब कुछ करेंगे, और इन चीज़ों को कभी कभी वो मिसयूज़ भी कर लेते हैं। आप क्या, किस तरह का माहौल है, या आपकी अपनी फीलिंग क्या होती है जब आप लोगों से मिलते हैं? आपको ये लगता है कि नहीं, बस मेरे लिए राहें आसान हैं, या आपको लगता है कि अभी मुझे बहुत काम करना है? वेयर डू यू रेट योरसेल्फ? ये दो सवाल हो गए। पहला सवाल आपने प्रोटोकॉल वगैरह, पर्क्स ऑफ द लाइफ, जी जी, पर्क्स ऑफ द लाइफ का पूछा। देखें, व्हाट आई थिंक दीस पर्क्स हैव, आई कैन स्पीक ऑफ माई सेल्फ, द पर्क्स आई हैव बीन यूजिंग, आई थिंक इट्स बिकॉज़ ऑफ माय फादर, ही हैज बीन वर्किंग हिज होल लाइफ. That's why I got the perks, and then I've started working now. और आप देखें कि इसकी वजह से इस इन perks, for example, you spoke about the protocol. हमें protocol मिलता है, for example, किस लिए मिलता है? For our security, I think. And if I speak about my family, we are under the sectarian threat. You must know about it. Yeah. तो देखें, आप सोचने वाले की सोच बदल नहीं सकते. What you can do, you can try to change it with your actions. हम जितना उनके साथ अच्छा चलने की कोशिश करेंगे, उतना हमारी वो मेहनत है. इस बाकी अगर किसी की सोच नहीं बदलनी, तो फिर तो अल्लाह की आयत है कि इनके दिलों पे मैंने ताले लगा दिए. आप अपने आप को कहाँ रेट करते हैं? देखिए, आई हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग, आई डोंट से कि मैंने कुछ ये कर दिया या मैंने ये कर दिया, आई एम जस्ट अ मेयर, यू कैन से वर्कर, और एट द लेवल ऑफ जियाला ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड बिलीव मी, आई एम अ डाई हार्ट जियाला ऑफ माई चेयरमैन एंड माई को चेयरमैन. And
whenever I hear their name, it's like a normal smile came to my face. Hmm. And if it's something against it, it's like a boiling point for me. But I'm mere a worker. Hmm. For myself, I'm still a worker. अच्छा खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जितनी और चीज़ें अच्छी हों बुरी हों जो कुछ भी है लेकिन ये तो मैं जानती हूँ जैसे सईद गनी साहब भी जब वर्कर लेवल पर थे तो मैं उनको उस वक्त से जानती हूँ और आज वो इतना ऊपर तक पहुँचे हैं तो ऐसी एसोसिएशंस लोगों की हैं जो फैमिली की पूरी पूरी एसोसिएशन है शहादतों के बाद भी वो एसोसिएटेड हैं पीपल्स पार्टी से सो ये एक चीज़ है जो लोगों की है और इसके लिए इसका क्रेडिट बहरहाल पीपल्स पार्टी को जाता है दैट दे हैव द जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस कमिंग आउट एंड दे आर अटैच टू द पार्टी नो मैटर वॉट सो विद दैट आई वुड वॉन्ट टू हैव मोर क्वेश्चन लेकिन टाइम हमारा कम था अब इंशाल्लाह आपसे आगे मुलाकात होती रहेगी और वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जो कर रहे हैं उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करें अच्छे तरीके से करें और वो चेंज पाकिस्तान में जिसका चेंज का नारा तो कुछ और लगाया वो तो डिफरेंट चेंज हो गया चेंज आ गया वो डिफरेंट चेंज हो गया लेकिन एक मस्बत चेंज इंशाल्लाह हम देख सकें थ्रू ऑल द यंगस्टर्स थैंक यू सो मच एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू कंक्लूड एट द एंड आई जस्ट वांट टू से टू द यूथ एंड टू द नेशन एज योर चैनल्स नेम इज वॉइस ऑफ नेशन जी सो आई वांट टू से टू द नेशन दैट फॉलो योर गट एंड do your research about facts and figures who is right and who is wrong and I hope that everybody will go for the betterment of Pakistan so be happy Pakistan Zindabad थैंक यू सो मच और ये थे हमारे साथ अकबर नासिर शाह नासिर शाह साहब को आप लोग बात करते हुए काम करते हुए देखते रहे हैं लेकिन फैमिलीज़ को या बच्चों को जिस तरह से वो आगे आ रहे हैं सेम फील्ड में आ रहे हैं जो उनका जो उनकी सोच है जो उनके आइडियाज़ हैं और किस तरह से वो अपनी जर्नी का आगाज़ कर रहे हैं हमने सोचा वो भी आपके सामने पेश किया जाए सो आप अपना ख्याल रखिए अपने कॉमेंट से हमें आगाह कीजिए वील सी यू अगैन टेक केयर अल्लाह हाफिज़ वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।